अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बैकग्राउंड रिमूव करने के बारे में बताएंगे कि तीन वे से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, जौन से तरीके से आपको इजी लगे। तो सबसे पहले फ़ोटोशॉप खोल लेते हैं। फ़ोटोशॉप खोलने के बाद हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी जल्दी कौन सा वाले ऐप से हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लें, हम सिलेक्शन टूल लेंगे। सिलेक्शन टूल लेके हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर से नीचे तक पूरा ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो दो चीज़ें आप देख रहे हैं इसके हाथ के दरमियान, उसका हम आपको बाद में बताएंगे कि वो किस तरह से होगा। ये थोड़ा सा डेमो है। तो उसके बाद जब ये पूरी सिलेक्शन करने के बाद हम इसके जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको रिमूव कर देंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट आई का बटन दबा के इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट करने के बाद फिर कंट्रोल जे में इसको एक अलग लेयर में कर देंगे, फिर दूसरी वाली लेयर जो है हाइड कर देंगे बैकग्राउंड की। आप देख सकते हैं इसमें सब पूरा हमारा हो चुका है, लेकिन इसके कोने रह गए हैं। तो इसमें ये है कि मतलब इसमें भी हम सिलेक्शन करेंगे, वही सेम प्रोसेस होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से भी, और इसके एजेस आप देख रहे हैं कि एजेस भी इसके ठीक तरह से नहीं आए जो हमने रिमूव किया। तो इस तरह से तो यानी ये प्रॉपर रिमूव नहीं हुआ है, तो प्रॉपर रिमूव करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं इसको बैकग्राउंड ऐड करके भी आपको दिखा दूंगा कि देख लें आप, इसके एजेस जो हैं वो प्रॉपर नहीं आए हैं। मैं ज़ूम कर लेता हूँ इसको। ज़ूम करने के बाद ये देखें, इसके जो एजेस हैं वो प्रॉपर नहीं आए हुए हैं। तो उसके बाद ऊपर से नीचे तक हम इसको देख ले, ये देखें ऊपर से भी थोड़ा ख़राब आया हुआ है, ठीक नहीं है। तो अब हम आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं मोबाइल पे, जो कि हम आपको दिखाएंगे पिकार्ड की सूरत में। तो हम चलते हैं पिकार्ड की तरफ और पिकार्ड ऐप जो है वो ओपन कर लेते हैं। अब इसमें हमने आपको जैसे फोटोशॉप में दिखाया, अब हम आपको सेम यही वाली इमेज लेके पिकार्ड में भी लेके दिखाएंगे। तो पिकार्ड में भी इसी सेम इमेज को ओपन कर लेते हैं। इमेज ओपन करने के बाद रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेंगे, तो एक मिनट बाद ये बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं, इसने भी एजेस को ठीक तरह से रिमूव नहीं किया है। इसके एजेस नज़र आ रहे हैं, ये देखें, जैसे जो फेदर होता है ना, वो फेदर इसने नहीं किया। तो आपने देखा कि इसमें भी जिस तरह हम रिमूव करना चाहते हैं उस तरह से इसने रिमूव नहीं किया। तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें आपको तीसरे हिस्से की तरफ, उसमें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इमेज खोल लेते हैं, सॉरी बैकग्राउंड इरेजर वाला ऐप खोल लेते हैं। इरेजर ऐप खोलने के बाद अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारी इमेज आ गई। अगर आप क्रॉप करना चाहें, तो अगर बड़ी इमेज होगी तो आप इजीली क्रॉप कर सकते हैं। मैं क्रॉप नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको क्रॉप कर दिया है। तो इसमें हम इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करते हैं और इसका भी चेक करते हैं। ये देखें, हमने बैकग्राउंड इसका रिमूव कर दिया है। अब इसमें भी देखें, ये जो कोने वाले हिस्से हैं इसने छोड़ दिए हैं। अगर हम इसको भी, अगर इसने एजेस भी साफ़ एजेस भी ठीक तरह से नहीं किए, जब अगर इसको भी हम सामने से खुद मैन्युअली रिमूव करें, तो उस हिसाब से ठीक तरह से रिमूव नहीं होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखें, मैं इसको रिमूव करूँगा इस तरह से, लेकिन उस तरह से वो नहीं आएगा जो ऑटो रिमूवल पे हमें मिलता है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी जिस तरह से हमें रिज़ल्ट चाहिए, इसमें भी उस तरह से नहीं मिल रहा। अब जो आखिरी स्टेप है, उसमें हम गूगल क्रोम का इस्तेमाल करेंगे। गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और यूआरएल एड्रेस में लिखते हैं remove.bg लिखकर हम ये वाला साइट खोल लेते हैं। ये साइट खोलने के बाद फिर जो आपकी इमेज है, आप इसमें अपलोड इमेज पे आके इसको अपलोड कर लेना है। जो हमारी इमेज है उसको इसमें अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद ये थोड़ा सा कुछ सेकंड लेगा, कुछ सेकंड में ये देखें इसने रिमूव कर दिया। और इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ, इसके फ्री सर्विस में जो है ये हाई HD में आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें से ये प्राइस मांगेगा, यानी ये पैसे मांगेगा। अगर आप इसमें करेंगे तो इसमें से उस तरह से क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी जो आपके पैसे यानी पे करने पर मिलेगी। तो आप देख रहे हैं, यानी ये छोटे साइज़ में सही है, अगर आप बड़े साइज़ के किसी में करते हैं तो इसमें सही नहीं है। बाकी इसने लेकिन रिमूव बहुत अच्छे तरीके से रिमूव किया है। आप देखें एजेस वगैरह सारे इसके सेट हैं। मैं एक बैकग्राउंड भी लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी
अच्छी लगी होगी, इसमें से आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि आपको ज़्यादा इजी किस में लगता है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, इसमें पैसे वगैरह नहीं लगते, आपके लाइक करने की मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।